शरद पवार की पार्टी एनसीपी का संकट अब गहराता दिख रहा है। वजह अजीत पवार हैं। उन्होंने हाल ही में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोका, लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की इच्छा को ये कहकर टाल दिया कि फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता, बैठक होगी और पार्टी के नेता तय करेंगे कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसके बाद अजीत पवार के घर पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरिफ, धनंजय मुंडे, दौलत दोराड़ा सहित कई विधायक और नेता शामिल हुए। सूत्रों का कहना है कि बैठक में शामिल सभी विधायकों ने एक स्वर में अजीत पवार को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की। अजीत पवार ने कुछ दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा व्यक्त की थी। सूत्रों का कहना है कि बैठक बुलाकर अजीत पवार शरद पवार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सीनियर पवार अपने भतीजे की बात मानेंगे। अजीत पवार ने हाल ही में कहा था कि उन्हें नेता विपक्ष के पद पर बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर पार्टी में उन्हें संगठन में कोई नई जिम्मेदारी दी जाती है तो वह उसे बखूबी निभाएंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए अजीत पवार ने एक तरह से प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपना दावा ठोक दिया। उसके बाद शरद पवार के करीबी छगन भुजबल ने भी खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर डाली। माना जा रहा है कि अजीत पवार की काट के लिए शरद पवार ने छगन भुजबल को आगे किया है। फिलहाल जयंत पाटिल एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बीते 5 सालों से संभाल रहे हैं, लेकिन अजीत पवार ने अपने घर पर नेताओं की बैठक बुलाकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। अजीत पवार के घर दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशरिफ, छगन भुजबल, किरण लहमाटे, नीलेश लंके, धनंजय मुंडे, राम राजे निम्बालकर, दौलत दरोड़ा, मकरंद पाटिल, अनुल बेणके, सुनील टिंगरे, अमोल मिटकिरी, अदिति तटकरे आदि नेता शामिल हुए थे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पिछले महीने जून में बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी की कमान अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के हाथों में सौंप दी थी। दोनों को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। इस फैसले को अजीत पवार के लिए झटके की तरह देखा गया था। एक समय तक उन्हें पार्टी अध्यक्ष का दावेदार माना जा रहा था, जबकि उन्हें पार्टी राष्ट्रीय टीम में भी जगह नहीं दे रही थी। इसके कुछ दिनों बाद ही अजीत पवार ने पार्टी में अपने लिए भूमिका की मांग की थी और कहा था कि वे पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। अजीत पवार के बयान के बाद शरद पवार ने कहा था कि हर कोई पार्टी के लिए काम करना चाहता है। अजीत पवार ने अपनी भावना व्यक्त की, लेकिन पार्टी में कोई एक व्यक्ति किसी भूमिका को लेकर फैसला नहीं कर सकता। अजीत पवार समेत पार्टी के नेता मिलकर इसका फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।